तो चलिए दोस्तों, रिलायंस पावर से रिलेटेड एक बुरी खबर निकल के सामने आ रही है। बुरी खबर यह है कि ये एएसएम के लिस्ट में शामिल हो गया। एएसएम के लिस्ट में कौन से लिस्ट में शामिल हुआ है वो मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो 8 जनवरी 2024 का जो है एएसएम का लिस्ट जारी हो चुका है, और इसकी मैं वीडियो भी अपने मेन चैनल पे बनाया हूँ, सुपर स्टॉक एडवाइजर पे। अब इसमें देखिए 14 स्टॉक को ऐड किया गया है। आज जो है एएसएम लिस्ट में, शॉर्ट टर्म के एएसएम की लिस्ट में 14 स्टॉक को ऐड किया गया है, जिनका आप लोग यहाँ पे लिस्ट देख सकते हो, नाम पढ़ सकते हो। लेकिन इसमें से 2 शेयर बहुत फेमस वाले हैं। 2 शेयर क्या कह दे कि 3 शेयर इसमें से जो हैं बहुत ज़्यादा फेमस वाले हैं, जो अभी के टाइम फ्रेम में बहुत हाईलाइट हैं कह लें कि। जिसमें सबसे पहला नाम निकल के सामने आ रहा है वोडाफोन आइडिया का, जिसका अभी अभी वीडियो डाला हूँ इसी चैनल पर और उस चैनल पे भी डाला हूँ। दूसरा नाम निकल के सामने आ रहा है आपके शेयर का, जो रिलायंस पावर लिमिटेड यहाँ पे दिख जाएगा 11 नंबर पे, ठीक है ना। यहाँ पे 10 नंबर, इसके बाद 11 नंबर, ठीक है ना, 11 नंबर पे दिख जाएगा। अब ये बाहर कब निकलेगा, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हालांकि मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कब बाहर निकला है, आप लोग एकदम पेशेंस से जो है इसको वेट करिएगा। अब ये क्यों गया है एस एम लिस्ट में, इसको मैं पहले आप लोगों को बताता हूँ। तो ये आप लोग क्लियर देख लीजिए, यहाँ पे ऊपर की साइड में भी देखिए, शॉर्ट टर्म के एसएम के फ्रेमवर्क में शॉर्ट लिस्ट किए गए जो है, जो जितने भी सिक्योरिटी हैं उनकी ये लिस्ट दी गई है, तो ये ऐड कर दिया गया है। मतलब ये एक और शेयर है, सालसार टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड, ये 4:1 के रेशियो में बोनस दे रहा है। प्रति एक शेयर के बदले में कंपनी 4 शेयर बोनस के तौर पर दे रही है, टोटल 5 शेयर हो जाएगा। इस पर भी मैं कई सारी वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है ना। यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि एसएम की लिस्ट में शामिल है, एकदम 100% शामिल है। 8 तारीख से आपको दिखना शुरू हो जाएगा। कैसे दिखेगा वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पे आप रिलायंस पावर पे जाओगे ना, तो यहाँ पे बाय पे जब क्लिक करोगे आप लोग ना, तो देखिए अभी बाय पे डायरेक्टली ये बाय करने के लिए दे दे रहा है। लेकिन यहाँ पे अभी जो है एक पॉपअप ओपन होगा इस तरह से, या मोबाइल पे करेंगे तो मोबाइल पे नीचे एक ओपन होगा, ठीक है ना। जब उसको यस नो करोगे, जो पूछेगा कि एसएम के लिस्ट में है ये शेयर, क्या इसको आप बाय करना चाहते हैं कि नहीं, चिका नो करेंगे तो नहीं बाय कर सकते हैं, यस करेंगे तो बाय कर सकते हैं। अब कब ये बाहर आएगा ना, तो इसके लिए देखिए 3 रिव्यू होता है, एक 5 दिन पे रिव्यू होता है, एक 15 दिन पे होता है, एक 30 दिन पे होता है। तो ये मतलब अब 8 तारीख से आप लोग 6वां ट्रेडिंग सेशन याद रखिएगा। मैं आगे आप लोगों को वीडियो में बताऊंगा फिर से, जो है नेक्स्ट वीडियो जब मेरी आएगी तब, ठीक है ना। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब इसमें तेजी, ये तेजी है ना, ये तेजी क्यों आई थी, और इसी तेजी की वजह से गया था। देखिए, मैं एडवांस में आप लोगों को बता दिया था कि ये एसएम की लिस्ट में शामिल होगा, ठीक है ना। अगर आप लोगों को नहीं पता तो देखिए, ये एक देखिए मेरी वीडियो, देखिए ये मैं शाम की वीडियो बनाया हूँ, और इसमें भी मैं लिखा था आर पावर मतलब 597 करोड़ का लोन डिफॉल्ट कर दिया और ये एसएम के लिस्ट में शामिल हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से मैं थंबनेल बनाया था जब ये शामिल नहीं हुआ था इस वीडियो में मैं तब, लेकिन अभी शामिल हो गया क्योंकि क्राइटेरिया सारा फिल कर चुका था। अब देखिए ये तेजी क्यों हुई है ना, तो इसके पीछे अगर मैं तेजी के पीछे का आप लोगों को कारण दिखाऊं, तो देखिए तेजी के पीछे का मैं आप लोगों को कारण यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश में जो है रिलायंस पावर ने अपनी जो है एक सब्सिडरी है या फिर अपना एक पावर प्लांट है, उसको बेचने की घोषणा की थी। किसको बेचने की घोषणा की थी, तो THDC इंडिया को बेचेगी। ये अपना कलाई विद्युत परियोजना जो है उसको ये जो है कंपनी बेचने की जो है बात कर रही थी। अब इस परियोजना में क्या क्या है, तो इसको आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा सीधा सा। 112 मेगावाट की एक कलाई की जल विद्युत परियोजना है, इसको 128 करोड़ 40 लाख रुपए में THDC इंडिया लिमिटेड को बेचने के लिए समझौता किया गया था। ये समझौता कब किया गया था आगे आपको पता चल जाएगा। देखिए, रविवार को एक नियामक फाइलिंग में समझौता जो हुआ है इसका जो है उल्लेख कंपनी ने किया है, जो पन बिजली परियोजना का मुद्रीकरण करना था, ठीक है ना। तो परियोजना इसको बेचने की ये कवायद चल रही है। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कलाई पावर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की एक सहायक कंपनी है, मतलब जो ये पावर रिलायंस पावर है इसकी एक सहायक कंपनी कलाई पावर प्राइवेट लिमिटेड है, इसका जो प्रोजेक्ट है इसका जो है ये है उसको बेचने की जो है बात चल रही थी THDC इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से, ठीक है ना। तो इसको देख लीजिएगा, इसी की वजह से जो है इसको मतलब पहले हम लोग की तेजी देखने के लिए मिली है, और इसी की वजह से अब जो है यहाँ पे ये एसएम की लिस्ट में भी गया है। अब देखिए, यहाँ पे कई सारे ब्रोकर जो है ना वो अपना अपना मत दे रहे हैं, जैसे प्रभुदास लीलाधर के सिंजू कुथु पल्लकन कुछ कर रहे हैं क्या, इन्होंने बताया है ना कि तेजी अभी इसमें जारी रहेगी, सकारात्मक इसमें ब्रेकआउट हो गया है, पॉजिटिव ब्रेकआउट हो चुका है।
25 रुपये पे स्टॉप लॉस ये बता रहे हैं, और 35 रुपये से लेकर 43 रुपये तक का टारगेट ये जो है आने वाले समय में बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। वहीं पे एक यस सिक्योरिटी के भी हैं विश्लेषक लक्ष्मीकांत शुक्ला, इन्होंने भी बताया कि 40 रुपये से लेकर 44 रुपये तक का ये भी टारगेट दे सकता है, 23 रुपये के आसपास का इन्होंने भी सपोर्ट बताया। और वहीं पे एक और ब्रोकर है, उनको भी अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो उनका यहाँ पे नाम दिख जाएगा, एंजल वन के भी एक ओशो कृष्णन है, कृष्णा है, उन्होंने भी बोला कि मजबूत जो स्थिति दिख रही है, मजबूत ब्रेकआउट हुआ है, तो इसमें आगे तेजी जारी रह सकती है, ऐसी संभावना ये लोग जता रहे हैं। अब देखिए जो निगेटिव न्यूज आज की एक खबर आई है ना, वो ये खबर आई है ना कि टोटल इनको जो कर्ज इस बार देना था दिसंबर 2023 में ना, इस क्वार्टर का 618 करोड़ देना था, लेकिन इसमें से इन्होंने कुछ ही दिया है, 597 करोड़ का डेट जो है ना, ये ऑफिशियल NSE की वेबसाइट पे आप जाके चेक कर सकते हो, ठीक है ना, इतने का डेट इन्होंने ना डिफॉल्ट कर दिया, मतलब देना था नहीं दिए हैं, ठीक है ना, पैसा ही नहीं था इस कह ले, और इसी के लिए वो जो है कंपनी अपना जो है प्लांट बेच रहे हैं ताकि कर्ज चुका सकें, ठीक है ना। तो ये यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा, बाकी आगे मैं आप लोगों को टेक्निकल भी बता देता हूँ कि टेक्निकल में हम लोगों का क्या व्यू है, कहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है, सब कुछ यहाँ पे। तो देखिए जब तक कि ये 26 रुपये 40 पैसे के ऊपर ऊपर शेयर है, तब तक तो बिना टेंशन के आप लोग इसको होल्ड कर सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं। नीचे का स्टॉप लॉस मैं कहूँगा आप लोगों को कि 20 रुपये के नीचे का स्टॉप लॉस फॉलो करिए, थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस बन जाएगा, 30-33% का बन जाएगा, लेकिन ये परफेक्ट स्टॉप लॉस रहेगा, 44 रुपये का इसमें पहला टारगेट मिल सकता है, और अगर ये ब्रेकआउट देता है तो फिर आप लोगों को 60 रुपये तक का भी ऊपर की साइड में टारगेट मिल सकता है। अगर कोई छोटा स्टॉप लॉस फॉलो करना चाहता है तो वो 26 रुपये 50 पैसे के नीचे का डेली कैंडल के क्लोजिंग के बेसिस पे स्टॉप लॉस फॉलो कर सकता है। तो देख लीजिएगा, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं अगले वीडियो में।